मैडम जी देसी फैशन में लेती बोली में घोली मीठी इलायची हिले उची फौरन रिटर्न नखरा बातें बड़ी है हाय फाय बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा झूमे ऐसे ना रोकी जाए एम जी मैं मिस कर रही हूँ आपको ये देख के ये कपल का है वो बेड खाली है सीरियल साथिया खत्म होने के बाद कॉपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्जी के फैंस कर रहे हैं उनकी तलाश पाना चाहते हैं उनकी एक झलक तो भाई आज सास बहू और बेटिया खत्म कर रहा है उनका ये इंतजार क्योंकि आपकी चहेती गोपी यानी देवोलीना भट्टाचार्जी आज कर रही है सास बहू और बेटिया के साथ एक खूबसूरती भरा डे आउट भगा रही हैं अपनी थकान और कर रही हैं तैयारी बहुत जल्द एक नए किरदार के साथ आपका दिल जीतने की पीते सरक सरक के देखो ये लेजी लम्हे चलते खिसक खिसक के ये लेजी लम्हे कैसी लिए खुमारी देखो ये लेजी लम्हे पलकें भारी भारी ये लेजी लम्हे बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम आज मैं ऊपर तरारा आसमान नीचे तरारा आज मैं आगे सनाना है पीछे आज मैं ऊपर तरारा आसमान नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे टेल मी ओ खुदा तररररन अब मैं क्या करूं चलो सीधी ही उल्टी चलो तो मैंने इसलिए सोचा क्यों ना आज ये लेजी लम्हों को अच्छी तरह से जिया जाए और थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं अरे 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 चौके नहीं आज गोपी बहू जरा रिलैक्स करने के मूड में है सो क्यों ना पहले मैं सोच रही हूँ हाथ और पैर को रिलैक्स किया जाए और इस रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई इस जेल फूड स्पा के साथ अच्छी अरोमा आ रही है इसकी इतनी अच्छी सुगंध है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊं चुपचाप और साथ में साथ ना गाना चल रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक वाओ तरह से मम्मी बन चुकी हूँ मेरे हाथ बन गए मेरे पैर बन गए और मैं इसमें आपको क्या दिखा सकती हूँ रोबोट डांस दिखा सकती हूँ या फिर वो कठपुतली वाला डांस होता है ना वो दिखा सकती हूँ उसके लिए अच्छा है बट इट्स वेरी न्यू टू मी एंड इट्स वेरी गुड मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी तो चलिए अब गोपी रुक कर रही है शिरोधारा का और इसके लिए बाय द वे ने केरला जाने की जरूरत तो नहीं है जहाँ पे मैं शिरोधारा लेने वाली हूँ दिस इज कॉल्ड पोटली मसाज काइंड ऑफ मसाज तो ये पोटली इस पोटली से सप्रेस करके टाइगर्स मसाज करते हैं हियर इज द शिरोधारा दैट बेसिकली वो जो ऑयल जहाँ पे रहता है आई गेस यही है ऑफ कोर्स यहीं से वो तेल आता है जो मेरे सर शिरो पे आएगा मुझे स्ट्रेस फ्री करेगा ऑलरेडी मैं ऑन ही बोल पा रही हूँ मुझे लगा मैं बस ले लूँ और अपना स्ट्रेस फ्री रोशनी से भरे 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 तेरे छूके बोले न छू ना मुझे छूके
के बोले न छू ना मुझे। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कुछ बात नहीं करूं, बस इस मोमेंट को एंजॉय करूं। बहुत सालों का स्ट्रेस है मेरे बालों पे, मेरे सर पे, वो सारे वो धाराएं के साथ धाराओं के साथ निकलती जा रही है। एंड आई एम फीलिंग सो रिलैक्स एंड स्मूथ, बहुत ही अच्छा फीलिंग है, बहुत ही अच्छा। इतना एंजॉय करते देख हम तो यूं ही रिलैक्स हो गए, लेकिन इनका रिलैक्सेशन प्रोसेस अभी बाकी है मेरे दोस्त। पैर हो गया, हाथ हो गया, सर हो गया। वाओ, सो आई एम गोइंग फॉर बॉडी मसाज नाउ। जिसकी टिक टिक स्पार्क एकदम फुल फुल लगा के एकदम रेडी हूँ मैं। सो आई एम गोइंग टू टेक एनेस्थेसिया। अभी मैं एक वर्ड भी नहीं बोलने वाली। सो मैं मिस कर रही हूँ आपको। ये देख के ये कपल का है वो बेड खाली है। बट एनी वेज, नेक्स्ट टाइम आपको मैं ज़रूर भेजूँगी यहाँ पे, और आज मैं अकेले करवा लेती हूँ, बट मैं आपको मिस कर रही हूँ। थेरेपी के बाद अब जरा पद्मिनी स्नान हो जाए तो क्या बात है। जी हाँ, ये बड़ा सा जकूजी, फूलों की खुशबू, मदहोश करने वाला म्यूजिक और हाथ में जाम, और उस पर गोपी का ये दिलकश अनदेखा अंदाज। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। यहाँ पे जकूजी में आने के बाद आई फीलिंग लगा रियली फीलिंग लगा प्रिंसेस, और कहीं ना कहीं मुझे वो जलपरी जैसा वो एहसास भी आ रहा है, वो फीलिंग्स भी आ रही है। लॉट्स ऑफ बलून्स आर देयर, फ्लावर्स आर देयर, दिस रोज पेटल्स, मतलब पहले राजकुमारी ने हाथ दिया में रोज पेटल्स में, पास में मेरे ये गुलाब के फूल है। इसे कहते हैं डे आउट। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी इन्जॉय करूँगी छुट्टी के दिन, सो आफ्टर लॉन्ग टाइम। और एक्चुअली इट्स वेरी न्यू टू मी, मैंने एक्चुअली ऐसे जकूजी में मैं ऐसे कभी अकेली नहीं आई। सो आप लोग को मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद देख चुके हो, मैं मतलब इतना परफेक्ट डे आउट मेरा शायद ही ऐसे मैंने कभी सोचा था कि इतना परफेक्टली इतना फ्रेश होकर मैं निकलूँगी। बट एनी वेज, माई डे वॉज परफेक्ट, एकदम बहुत अच्छा गया। एंड थैंक्स, बाय बाय। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक।